ऑपरेशन होगा इसका भी? तो हाँ, ऑपरेशन ही होता है, गांठ कैसे निकलती है? हो सकता है ना कि आप तो स्वेलिंग हो गई हो, कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ और भी तो हो सकता है। फाइनली मेरी गाड़ी ठीक होकर आ चुकी है, वॉश भी हो गई, वापस से क्लीन करके दिए पूरे अच्छे से। अब चला के देखूंगा, वैसे चल के आई है तो मतलब ठीक हो गई होगी। मैं चला के देखूंगा, अगर एक दो दिन में कोई दिक्कत नहीं आई तो बस परफेक्ट है। वैसे मैं बताता हूँ, इसका क्लच के यहाँ पर किसी साइड पर एक वो होता है सिलेंडर, जो कि वारंटी में था, जो कि चेंज हुआ है। तो अच्छी बात है कि भाई मेरे पैसे नहीं लगे इसमें, वरना मुझे लग रहा था फिर एक लंबा खर्चा आ गया। पत्ता गोभी है ये ऐसे तो और क्या है फिर? पत्ता गोभी की सब्जी बनवा के खाया करना। सब्जी बनवा ली, सब्जी बनवा के खा रही, रोल मंगा के। ये हाँ, तेरे गले में क्या हो गया? मेरे गले का, वेरी गुड, सारे मरीज हो गए तुम। मैंने ये बेस बढ़वाया गले का। अच्छा, देखो इसको, देखो इसको, देखो अंकल ब्रेड ये देखो, मानते नहीं हो ना तुम। ब्रेड नहीं खा सकता क्या? सैंडविच एक बार बताओ क्यों? तो घर में बना के खाओ ना। बाहर की चीज है ये, बाहर की चीज क्यों खाते हो? क्यों खाई भाई? और ये देखो पेटीज रखी, खाई भी नहीं, मुंह में भी नहीं रखी अभी तक, बताओ ये पेटीज। हां अंकल फेंक दो, खाना भी मैं खा लूंगा, खाऊंगी मैं। दो क्यूट से सब्सक्राइबर आए मेरे को नीचे, गार्ड अंकल ने फोटो भेजी, बड़े छोटे छोटे से क्यूट से हैं वो। हम लोग पालमपुर गए थे तब भी मिलने आए थे, अभी यशी वगैरह सब तो गए हुए हैं तो कोई नहीं है। मैं मिलने जा रहा हूँ और उनके लिए लेके जा रहा हूँ दो चॉकलेट। बड़े क्यूट से बच्चे थे यार, मैं फोटो देखती भागता चलाया, मैंने कहा इतने क्यूट सब्सक्राइबर है हमारे। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? आपका दक्षता। दर्शन, दक्षता, अच्छा ये आपके लिए, थैंक यू। ये आपके लिए, वेलकम। दोस्तों अभी मौसम कैसा हो रहा है, कभी बहुत तेज धूप हो जा रही है, कभी ह्यूमिड हो जा रहा है, और इस टाइम पर आपके साथ स्वेटिंग ज्यादा होना, इचिंग हो जाना, रैशेस हो जाना और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाला हूं आपसे एक सीक्रेट जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, जो कि मेरा खुद का भी सीक्रेट है, जो मुझे पूरे दिन फ्रेश और कॉन्फिडेंट रखता है। ऑल्सो इट हेल्प्स मी कॉम्बैट स्वेटिंग, रैशेस एंड इचिंग। से हेलो टू माई ट्रस्टेड कंपेनियन। कोई भी प्रिकी हीट पाउडर यूज करने से बेटर है यूज एब्जॉर्ब डेली। एब्जॉर्ब एंटीफंगल पाउडर यूज करना बहुत ही ईजी है, मैं अपने स्वेट प्रोन एरियाज पर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करता हूँ, एंड इट हेल्प्स मी स्टॉप स्वेट विद इट्स 2x स्वेट कंट्रोल फॉर्मूला। इसमें है 2 स्वेट एब्जॉर्बेंट, टेल्क एंड स्टार्ट, जो कि मेरे स्वेट को रोकता है। सबसे अच्छी चीज बताऊं, यू कैन यूज इट डेली। एंड एक और चीज बता दूं, एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर इज फर्स्ट चॉइस ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट, सो अपने डेली रूटीन में एब्जॉर्ब को ऐड करो एंड स्टे अवे फ्रॉम itching and sweating. To purchase this product on 1mg, click the link in the description box and use my code SUYASH10 for 10% off. हम लोग अभी आए हैं हॉस्पिटल मेरी सोनोग्राफी के लिए, और इससे पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था और मेरा यूरिन टेस्ट हुआ था। अभी मेरी सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है वो 10 मिनट में आ जाएगी, और मेरी ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट आ चुकी है। अब ब्लड में और उसमें थोड़ा इन्फेक्शन बताया है, लेकिन मेन ये वाली रिपोर्ट है। तो मैं अंदर थी तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल होंगी और अभी रिपोर्ट भी हो जाएगी, तो लाइक वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक चीज प्लान कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक प्रैंक करें सूरज पर, जैसे वो मुझे हमेशा प्रैंक करके स्पेशली अपनी हेल्थ के बारे में प्रैंक करेगा और मुझे परेशान करेगा। तो मैं इस बार, वैसे सबने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने कभी प्रैंक नहीं किया तो क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, पर ये सब कह रहे हैं कि दीदी प्रैंक करो और भैया को बताओ कि कितना बुरा होता है। यार मुझे बहुत बुरा तो लग रहा है करते वक्त, लेकिन एक बार तो रिवर्स प्रैंक बनता है, कर बनता है। और पता एकदम ऐसा हो, मैं इसको जाके बोल रही हूँ और मेरे को लग रहा है मेरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है तेरे चुपचाप बैठ जा, वो तो वो बड़ा ही उसको देखो उसको इसके लिए कहानी बताऊंगी। तो वो बड़ा ही मतलब वैसा है भी, केयरलेस के अरे कुछ नहीं है मेरे धर इसके धरण हो गई होगी ये वो, तो मैं उसको बताऊंगी। ऐसे यार मेरे को ना वो प्रैंक करने में थोड़ा वो हो रहा है, करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, वो भी तो करते हैं हमेशा, अगली बार से नहीं करेंगे फिर वो। गाइस ये प्रैंक थोड़ा भयंकर होने वाला है, घर जा रहे हैं ना, घर वालों पे भी कर दे क्या? नहीं घर वालों पे तो नहीं यार, वो परेशान हो जाएंगे, वो पहले परेशान है। अभी हम पहले घर पे जा रहे हैं, घर वालों को बहुत हो रही थी बता क्या आया बता क्या आया रिपोर्ट्स पे, उनको तो मैं जाके शायद कर आती हूँ। रिएक्शन तो बहुत तगड़ा आएगा उसका, बाकी लेट्स सी। अगर उसका रिएक्शन नहीं आया ना, अगर वैसे बोला हाँ ठीक है, तो मैं उसको जान से मार दूंगी। सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला, लेकिन अभी ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट को दिखाना है। दिखा दो, टेस्ट करवाओ। हो गया क्या? कराई सोनोग्राफी? कुछ नहीं है, सही है। क्या करवा के आई? सोनोग्राफी ऐसे बताया ना, करवाई उसके गांठे निकली तो मेरे को टेंशन हो गई। तो हमारे पड़ोस में किसी को पेट में दर्द था, उसके पेट में गांठे थी ऐसा कुछ था, तो उससे मम्मी को लगा और चलो भी, क्योंकि जिसको हुआ ना उसको भी एक्चुअली मुझसे पहले अपेंडिक्स हुआ था फिर मुझे अपेंडिक्स हो गया, तो मम्मी को ऐसे सर पे बैठ गई और उसको भी तुझे हो गया। और तुम्हारे पेट दर्द भी सेम डे हुई है? हाँ तो ये अरे बात मतलब किसी को सेम अगर कोई सेम प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज सेम ही होगा। है हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक बार बता क्या बताया फिर? कुछ अरे बोल कर कुछ नहीं बताया, अब ये 20 सवाल करेंगे। वो मेरे को बोल रहा बोल पेट में गांठे बताइए। मजाक कर रहा है,
हम लोग ना मम्मी सूरज पे प्रैंक करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि पेट पे गाठिया बताइए यार। वैसे लग तो वो रहा है लेकिन अब कर लिया हमने, सोच लिया क्यों है वो बेचारा। आपको बताओगे मैं, उसने मेरे ऊपर भी करा हुआ है, लग गई जरा, लगी जरा सी, मेरा तो फ्रैक्चर हो गया, जरा सी सर पे लगी है मेरे तो टाके आ गए, इतना बड़ा झूठा है। तुम ही प्रैंक करेंगे? प्रैंक करोगे उसको? बिल्कुल करेंगे। मैं भी फोन करता हूँ, देख। अरे पागल हो गए यार, चुप रहो। अभी फोन करता हूँ, देख उसको, चुप रहो। कि ये तेरे साथ प्रैंक करेंगे, कोई फोन नहीं करेगा, समझ में आई? सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। फ्लैट हम आ चुके हैं, स्क्रिप्ट भी हमने प्रिपेयर कर ली, लेकिन भाई मेरे को अपने ऊपर तो इतना ज्यादा डाउट है कि पता नहीं मैं क्या करूंगी। मुंह लटकाना है देखो, जैसे अभी लटका लटक बता दे, जैसे अभी लटका रखेंगे ना तो दो घंटे से यार कैसे करेंगे ऐसे अपने हरकतों से अपन प्रैंक कर देंगे। अभी चलो ऊपर, क्या कर रहा है? क्या गाइस, मैं इंतजार करते करते इतना थक गया क्या बताऊं। ले पकड़ में सुसु जाकर आ रही, सुसु आ रही, कुछ पिला दिए वहाँ हॉस्पिटल में। इसको डॉक्टर के दिखाए? डॉक्टर तो शाम को देगा, 6 बजे बैठेगा। तो अभी क्या करके आओ, जांच वांच करवा के? सोनोग्राफी। ओके, तुझे कल भी सीरियस नहीं लेना, तुझे आज भी सीरियस नहीं लेना। नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में और जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो या तो झूठ बोल रही है। अरे वो मैं बताऊँ क्या, जो करिए ना आंटी, वो ऐसे बोली, जांच तो आई नहीं। हाँ। वो देख के मतलब मशीन से करिए, वो बोली हो सकती है, हो सकती है, जो करती है ना वो डॉक्टर ही होती है जो करती है। भगवान, ये एक और प्रॉब्लम हो गई इसके, इसका या तो क्या है, लेजर से होता है ऑपरेशन होगा इसका भी? तो हाँ, ऑपरेशन ही होता है, कहाँ कैसे निकलती है? ए भगवान, हर 3 महीने में इसका एक ऑपरेशन, या तो ऑपरेशन कट के हो सकता है या फिर लेजर से। लेजर से, अब आजकल तो एडवांस हो गया लेजर से, उसका भी तो मेरे सामने रहती है, उसका भी तो। हाँ, इनके सामने एक दीदी है, सेम प्रॉब्लम है उनके, कल अंकल बता रहे थे ना। उनके तेरे साथ ही तो हुआ था ऑपरेशन, पता नहीं उनके, मेरा अपेंडिक्स का भी मेरे से पहले हुआ, ये भी उसका मेरे से पहले हो गया, फिर मेरे हो गया। अगर मुझे शाम को चलना है ना डॉक्टर के, 6 बजे, वो तो देख के बताएगा सोनोग्राफी ठीक से, तो अभी ये पास में मिल जाएगी। ठीक है, जरा यार दर्द तो हुआ है कि कुछ खाएंगे तो आपको ज्यादा पेन होगी, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल है। उन्होंने बोला, उन्होंने बोला खाएंगे तो दर्द होगा, और लेकिन खाना भी ऐसा तो नहीं है कि आप खाओगे नॉर्मल खाना। जो ये नूडल्स खाने की वजह से ही है, नूडल्स खाने की वजह से इतनी बड़ी गांठ हो जाती है। तो मतलब क्यों हुई, तो पूछा डॉक्टर से? इसका कोई वो नहीं यार, हो जाती है, उसमें क्या अपेंडिक्स का क्या रीजन होता है, क्यों होती है अपेंडिक्स? पानी कम पीने से वो नस बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो होनी होती है जिसकी होती है। अरे यार इसकी पता नहीं क्या ही, ए भगवान इसके इतनी बीमारियां क्यों करके भेजी, कितना बदतमीज है, इसको देखो क्या हो रहा है, भगवान क्यों हो गई यार, मेरे हो गए उसकी वो नहीं है तेरे को। अगर मैं डॉक्टर शाम को जाएंगे ना, डॉक्टर बोलेगा तो ही मानूंगा, वो करने वाली भी तो डॉक्टर ही होती है। अरे वो पूरी सोनोग्राफी आएगी उसके बाद ठीक से पता चलेगा। सोनोग्राफी तो आ गई, 15 मिनट में आ जाती है उसकी रिपोर्ट। बस रिपोर्ट्स लेनी है उससे, उन्होंने तो देख लिया कंप्यूटर में सब कुछ। हो सकता है ना कि आप तो स्वेलिंग हो गई हो, कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ और भी तो हो सकता है। गांठ पता है कैसी होती है, अपन गांठ बांधते है ना, वो गांठ है, गांठ मतलब कि मसल इकट्ठी हो जाती है, कैंसरस नहीं होती, लेकिन वो अलग मतलब आप कैसे होते हैं कि वो निकल जाती है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो अभी डॉक्टर ही गए थे, डॉक्टर था ही नहीं, 6 बजे आएगा। चल 6 बजे चलते हैं फिर डॉक्टर के। अंकल को भी बताए थे हम, अंकल कहाँ हैं? घर पे, थोड़े दिन बाद वापस जा रही हूँ मैं। भाई इसके इसके हॉस्पिटल के साथ कुछ वो है? मेरा तो है भाई, मेरा तो बचपन से ही, बचपन से इसका ही सीन है, पता नहीं कभी क्या होता रहता, कभी क्या होता रहता है। स्कूल में तेज भाग भी लेती थी, इसके पेट में दर्द हो जाता था। अरे ये जो लड़की है ना जिसके मेरे से मतलब हमारे सामने, उसको भी ऐसे पेट दर्द था बहुत टाइम से। मम्मी बोली, बोले उसके भी ऐसे बहुत टाइम से पेट दर्द था, वो तो अभी लास्ट टाइम जब हमारे वो बूझी थी ना उन्होंने कुछ, तो बोले तब भी आके मेरे को कहती कि मेरे यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, उसके यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, मेरे यहाँ नीचे। अच्छा हुआ ना अपन लोगों ने जाने से पहले वहाँ डॉक्टर के दिखा लिया, वो बोले जा तो आओ फिर आके करवा लेना आप, लेकिन कुछ दवाई वाई तो दे दे, ऑपरेशन, वन मोर ऑपरेशन नहीं हो सकता है ना, दवाई से भी ठीक हो जाएगा। वैसे तो लेजर के लिए बोल रहा हूं, दवाई से नहीं होती, दवाई से नहीं होती ये चीज, हाँ बीमारी थोड़ी है, गांठ है ये, स्टोन तो दवाई से निकल जाता है। 6 महीने भी नहीं हुए इसके नाक का ऑपरेशन करा हुआ, दूसरा 6 महीने अभी। अंकल को बताओगे तो अंकल बोलेंगे इसको SMS ले जाओ, दूसरों को सुख और खुद को दुख देना। देखा देखा कैसे मैंने खुद की तारीफ भी की, ये ट्रिप जाया था उसके बाद में प्लान करना पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो क्योंकि पेट दर्द उसके कभी भी चालू हो जाता है, कुछ भी खाती है एकदम से पेट दर्द रहेगा, ऐसे पड़ जाएगी। हम सोच रहे की धरन हो रही है। खाना खा लिया क्या? नहीं यार, तुम्हारे तो खा ही नहीं सकती अब ये फालतू की चीजें, नॉर्मल चीजें खाना तो खा ही सकती है। चलो खाना खा लेते हैं, चलो कितनी उम्र हो गई एकदम से। गाइस
हमने प्रैंक तो कर दिया लेकिन लड़का इतना डीट है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मेरे को लगता है कि ना इनको शायद पता है कि फिर प्रैंक कर। नहीं 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 बाहर बैठे हैं ये बादल तो हमारी बिल्डिंग से मुश्किल से 10-15 मीटर ही ऊपर घूम रहा है। इतना नीचे बादल, ये देखो सामने गाइस, ये बादल देखो अपनी बिल्डिंग की हाइट पे एकदम सामने। ये देखो ना ऊपर वाला बादल कितना नीचे आया हुआ है। अरे इसका फिर पेट दर्द स्टार्ट हो गया। डॉक्टर ने जो दवाई दी इसको यार वो दे दे यार। अरे यार हाँ इसका खाना खाते ही दर्द चालू हो जाता है ना, पेट पे वजन पड़ता है ना इसलिए। क्या हुआ? बैठ जाना था एक जगह। गाइस मैं बोलना चाहती हूँ क्या सही नहीं। Insensitive person. इसका मतलब? मतलब इसको किसी की वो दुख दर्द का वो ही नहीं है। मुझे पॉटी नहीं जाना तो मैं टहल लूंगी। मुझे पॉटी जाना है। अरे प्रेशर पड़ रहा है ना खाने का, टहलेगी तो कम हो जाएगा। इसीलिए मुझे बार बार ना वॉशरूम जाना पड़ता है। उसको वो कह रहे की तुम्हें लूज मोशन, मुझे लूज मोशन नहीं हो रहे। बार बार मेरे वो खाना जैसे पेट में जाता है, दर्द चालू हो जाता है। वॉक कर लेना तभी तो बोल रहा हूँ। अरे पेट दर्द में वॉक कैसे करे इंसान यार। ये पेट में दर्द बढ़ तो धरन वरन सही नहीं कर रही, सीधे डॉक्टर के पास जाओ। पता है अगर मैं थोड़ा पहले दिखा लेना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो डॉक्टर के चले गए इसलिए। इससे पहले तो होता था गारंटी करा लेते तो हो जाता था इसका। यार दीदी डांस करना जरूरी था क्या आपका? तुम प्रैंक कर रहे हो। फिर यार तू भी गधों की तरह नाच रही है। लेकिन पेट में दर्द तो हो रहा है मुझे। तूने भी दवाई में पैक किया था ना? मेरी लग गई, मेरी टाके लग गई, मेरे तो पहले फ्रैक्चर ही हो गया। तो मैं इस बार तेरी भी बैड में जाऊंगी और देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अरे देख लिया यार। अरे बेशरम ये पहचान ही नहीं थे आप नाच रहे थे। तू नाच ली? मेरे को सही में लगा था कि इसके सही में प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम प्रैंक कर रहे हो। देखो किसी भयंकर सीरियस एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग क्या तुम्हारे दर्द हो रहा है पेट में तो? और अभी भी पेट दर्द की एक्टिंग कर रही हो रहा है सही में? तो ये हुआ क्या है अभी डॉक्टर? झूठ बोल रही हूँ। अरे भाई सोनोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट और यूरिन का वो भी दिखाने जा रहा है। दो चार गाले और सुन लेगी मुझसे। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझ पे प्रैंक भी क्यों कर रही थी जब मुझे फर्क नहीं पड़ता? वो तो मैं प्रैंक करने की बात अच्छा लग रही थी, फर्क नहीं पड़ता। यार चिट क्यों नाची मैं ऐसी नाच? हाँ अरे मैंने इसको देखा इसे नाच के, और मुझे नाचने के बाद भी मैंने इसको नहीं देखा था, इसको खुद ही हंस दी है। नाचती ना तो और मजा आता है। नाच दी तुझे मजा दिलाऊं? और ये भी ऐसे आपकी बैठी है सीरियस होके ऐसे? नहीं सीरियस तो है सुबह से ही है आज। नाराज हो गई थी। हाँ सीरियस है सुबह से। तू किधर देख, तुझे ये पता चलने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा शिट अब क्या करे? तेरे पापा को बुला ले। मैं इसके मम्मी पापा का पूछ रहा था भाई कब आएंगे उनसे बातचीत तो करे। क्या बातचीत करनी उनसे? आया मजा, आया मजा। कैसा लगा प्रैंक? मैं वो शौक नहीं था, मैं प्रैंक से था। मैंने कहा हो सकता है इसके कोई ना कोई एक और नई बीमारी निकले है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर। मुझे लगा यार पेट पेट दर्द हो रहा है, हो सकता है कुछ हो तो है। कुछ नहीं उन्होंने बोला नॉर्मल है, एक बार आप फिर भी आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं और यूरिन रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर को दिखाओ। ओके ठीक है तो फिर भाई गाइस चलो फिर काम करो, करने चलते। देखो आज बताओ मुझे जूते खरीदने जाने के, जॉर्डन नाइकी के। अब तो दो खरीद लाऊंगा इसके भी मैं खरीद के लाऊंगा इसका, संभाल लेते इसके घर वाले। देखो देखिए ये ब्रांड नहीं करते तो हमें और दुनिया को कैसे पता चलती तेरी असली शक्ल? अब से ना कुछ भी बात होगी मैं रिएक्ट करूं। हां क्या हो गया सही बता? ये प्रैंक का इस पर कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यार गाइस मैं एकदम न्यूट्रल आदमी हूँ। न्यूट्रल आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी न्यूट्रल आदमी नहीं है। ठीक है चल ठीक है। कम बोल गाइस प्रैंक अब चले, काम करें शॉपिंग कर ले। सबसे ज्यादा सीरियस हो गया इसका मुँह देख के। लो देख लो, देख लो दीदी
इसका मुंह देख के सीख ले। हम तो बेवकूफ हैं। अरे इतने स्ट्रेस में आके से मैं जैसे हंसती रहा हूँ तो ये ये तो आती ही है करती है मैं देख के रहा हूं। अरे भैया इतना हंसे मैं और दीदी हॉस्पिटल में इतना हंसे इसको देख देख के आज धूप में चढ़ा दी तो रूसी बैठी देख देख हंस रहे थे भयंकर हंस रहे थे बताओ मेरे को देख के बदतमीज तभी तो ऐसा मुंह टट्टी सा बना के लाई है ऐसा बनाने की सुबह से अब इसकी वीडियो दिखाऊंगा देखो आपको दोस्तों यशी शूट कर रही है फ्लैट पे और मैं निकला हूँ मीकुड़ी के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। मुझे मेरे पास लोअर वगैरह गया, ये चार दिन से बारिश आ रही है, ट्रिप के बाद कुछ धुल ही नहीं पाए कपड़े, मम्मी ने धोए नहीं, तो कुछ भी नहीं है पहनने को घर में, तो कुछ टी शर्ट और कुछ लोअर वगैरह लेकर आऊंगा। तबियत खराब थी, अब तबियत खराब में फूल या चॉकलेट लेके आते हैं, तो मैं गेटवेल सून लेके आया हूँ। गेटवेल सून लेकर आते हैं, हाँ वो देते हैं ना वो अंग्रेज लोग, मतलब अमीर लोग, वो सेम टू सेम गेटवेल सून। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती, तो ये तो मैं, तू बस डब्बा ले ले, खोल के दिखाई पर। हाँ मुझे पता है इसमें क्या निकलेगा। नहीं नहीं सही में मजाक थोड़ी चल रहा है। कौन लाया ये? मैं लाया हूँ तेरे लिए। तू मेरे लिए चॉकलेट क्यों लाया है? मुझे तो पता है मैं चॉकलेट नहीं खाती। अच्छा खुद के लिए ठीक है। अरे नहीं अपन को दी है किसी ने। That's so beautiful. यार मेरे टेप ले लो। So cute. I love these यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टिन्नी टिन्नी चॉकलेट्स इन्होंने भेजा। Wow, so cute. देना सेल लगी है, सेल भरा हुआ था पूरा का पूरा। और क्या मिला है हमें? एक भैया पजामा फोल्ड। यार ये फिर सेम कलर का पजामा लिया है, कितना पागल है। उसने मेरे सेम कलर का डिट्टो पजामा तो निकाल के दिया है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ। लड़कों के अंदर पजामों में नीलो। अरे मैं समझ गई, पर तेरे पास सेम है। तो जब चार पजामे के कलर में ऑलरेडी है, नया पजामे का कलर कहाँ से लाऊं? तो ये क्यों लाता है यार? भाई कुछ नहीं था। या तो चाहती है कि वो पिंक सी अप्सरा बन के ऐसा कुछ पहन लूं। इट्स गुड, व्हाई नॉट। Feminine energy. It's a channel of feminine energy. हाँ ठीक है ठीक है। ये सही है, मुझे भी दो दे देना, ले लेते हैं। चल 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 यहाँ से। यार दे दे, मेरे पास नहीं है। सिर्फ क्या लेकर आया हूँ मैं? ओ यार सेम कलर का कैसे आ गया? तुम खुद बताओ। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद देखो ना। रुक जा एक सेकंड, देख ये डिजाइन चेंज है इसका, इसका लुक अलग है। हाँ एक का डिजाइन नहीं, दोनों का पीछे से चेंज है। Yes, guys, पीछे से चेंज है। मेन पीछे से इनके लिए। भाई मेरे पास एक भी पजामा नहीं है ना धोने को, ना पहने और कुछ भी नहीं है। और एक परफ्यूम लेके आया हूँ। परफ्यूम